लेकिन ये अलग घटक है जिसके अंतर्गत इस सुविधा का लाभ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध करवाने का प्रयास हुआ है और इस सुविधा का लाभ आज आप यहां पर प्राप्त कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा। लेकिन साथ साथ मेरा विकास प्राधिकरण से और अन्य कार्यदायी संस्थाओं से भी इस बात का आग्रह होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर उस गरीब को, हर उस लाभार्थी को योजना का लाभ हम प्राथमिकता के आधार पर दें। कुछ अन्य योजनाओं पर भी हमें प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है, जैसे मलिन बस्तियों में जो लोग आज भी वहां पर बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, वहां पर भी हम शासन की योजना से उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं। बहुत सारी स्लम एरिया है जहां पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, मलिन बस्तियां बस गई है और वहां की स्थिति, वहां कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं, वहां पर भी अगर हम इस प्रकार की आवासीय सुविधा को बना करके और उस सुविधा का न केवल कॉमर्शियल उपयोग बल्कि उन लोगों को बेहतर आवासीय सुविधा वहां पर हम दे सकेंगे तो एक बड़ा तबका उससे लाभान्वित होगा, उनके जीवन स्तर को उठाने में मदद मिलेगी और समाज जीवन में प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को उठाने में हम जितना बड़ा योगदान दे पाएंगे वह प्रदेश और देश के विकास को उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मददगार होगा। तीसरा, बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिनके लिए इस प्रकार की आवासीय सुविधा विकास प्राधिकरण और आवास विकास अलग से बना सकता है। जैसे हम लोगों ने गोरखपुर में पत्रकारों के लिए एक आवासीय सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए कहा और मैं विकास प्राधिकरण से कहूंगा कि उसमें सब्सिडी का अंश बढ़ा करके कुछ कॉमर्शियल गतिविधियों को अलग से तैयार करते हुए यह आवासीय सुविधा पत्रकारों को, अधिवक्ताओं को, शिक्षकों को, चिकित्सकों को, व्यापारियों को, समाज के अलग अलग तबके के लिए भी हम आवासीय सुविधा निकालें और फिर उनके इनकम ग्रुप के अनुसार उनको आवासीय सुविधा का लाभ देंगे तो एक बड़ा लाभ, बड़ा तबका इससे लाभान्वित होगा और शासन की योजनाओं के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा और इस योजना को भी हमें शीघ्र आगे बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि पत्रकारों के लिए जो आवासीय सुविधा यहाँ पर विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तावित थी उसमें काफी लेट हो रहा है, उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने और जो पहले उसमें सुविधा देने की व्यवस्था हो रही थी उस सुविधा को ही हम उसके साथ जोड़ करके अधिक से अधिक लोगों को उसके साथ जोड़ देंगे तो एक बड़ा तबका उससे लाभान्वित होता हुआ दिखाई देगा। तीसरा, जहां पर भूमाफियाओं के द्वारा या पेशेवर माफियाओं के द्वारा शासकीय संपत्ति पर कब्जा करके, जमीनों पर कब्जा करके अतिक्रमण किया गया था, वहां से उन जमीनों को भी कब्जे से मुक्त करके गरीबों के लिए वहां पर फ्री में आवास की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इसको बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है जिससे आने वाले समय में किसी शासकीय संपत्ति पर कोई भी भूमाफिया कब्जा करने का दुस्साहस न कर सके। और आज यह सुविधा यहां पर गोरखपुर में हम मानबेला में यहां के 1500 परिवारों को आवास की सुविधा का लाभ दे रहे हैं, ये उनके लिए, बहुत सारे परिवारों के लिए तो एक नया सवेरा है, दीपावली जैसा उत्सव है क्योंकि बहुत सारे परिवारों के पास पहली बार अपना स्वयं का आवास मिला होगा, कुछ लोगों के पास आवास रहा होगा, जर्जर रहा होगा, उनको यहां पर मिल रहा है। लेकिन अभी हमें इस अभियान के साथ बहुत कुछ करना है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर एक नागरिक को दिया है।